तुम हो लाखाना पे, तुम्हारे कारण मेरे दो प्रिय हत्यारों की हत्या हो गई। एक सलाहकार के लिए इतना अधिक आत्मविश्वासी होना संशयकारी प्रतीत होता है। तुम्हें इतना प्रबल विश्वास कैसे था कि दाहक चंद्रगुप्त था? हे सम्राट श्रेष्ठ, मैं तो एक साधारण सा नापित हूँ। ये तो आपके प्रांत प्रमुख जी की कृपा हुई जिन्होंने मुझे अपना राजकीय सलाहकार नियुक्त किया। और एक राजकीय सलाहकार का परम कर्तव्य होता है कि अपने स्वामी की हर प्रकार से रक्षा करना, उन्हें आने वाले किसी भी संकट के प्रति सचेत करना। परंतु मैं उन्हें ऐसे संकट के प्रति कैसे सचेत कर पाता जिसकी पुष्टि मैंने स्वयं नहीं की थी। इसलिए जैसे ही मैंने संकट को भांपा, मैंने सोचा कि मैं पहले स्वयं पुष्टि करता हूँ। इसलिए मैंने उन दोनों का पीछा किया। पीछा करने के पश्चात मेरा संदेह और सुदृढ़ हो गया, सशक्त हो गया, जब मैंने प्रभु जी के विश्वसनीय सेवक अग्जीव और प्रभु जी की विश्वसनीय सेविका कचरी के शव देखे। केवल उन दोनों के शव नहीं थे सम्राट श्रेष्ठ, उनके परिवारजनों की भी बड़ी निर्ममता से हत्या की गई थी। मुझे लगा कि इतनी निर्ममता से तो उनकी हत्या केवल मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथी ही कर सकते हैं। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, परंतु मेरी भूल को आप विश्वासघात ना समझे प्रभु जी। भले ही आप मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार का लांछन तो सौ मृत्यु दंड के बराबर एक दंड हो गया ना। ये सब दुर्भाग्यवश हुआ प्रभु जी, इस सब दुर्भाग्यवश हुआ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य के कारण हुआ ये। वो साक्ष्य जो चिल्ला चिल्लाकर यही संकेत दे रहे थे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। परिस्थिति जन्य साक्ष्य, एक नापित के मुख से निकले ऐसे शब्द, थोड़ा थोड़ा विचित्र है ना। सम्राट, मैंने बताया था ना आपको, अत्यंत ज्ञानी नापित है। कहता है कि नापित हृदय सम्राट धनानंद के शासन काल में एक नापित की नियति केवल केश काटने तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो जितना ज्ञानी होता है उसे उतना ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है जगजला, क्योंकि वो जैसे सत्य का समर्थन करता है उतने ही विश्वास के साथ असत्य को सत्य प्रमाणित भी कर सकता है। न जाने क्यों मुझे इसके नापित होने पर संदेह हो रहा है। सत्य वचन महामहिम, मुझे भी यही आभास हो रहा है कि ये नापित नहीं है। यदि आपको संदेह है तो उसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं अभी अपना एक दल उसके गांव भेजकर इसकी वास्तविकता का पता लगाता हूँ। तुम जैसे मूर्खों पर विश्वास करके मैं मगध सम्राट नहीं बना हूं जगजला। इसकी वास्तविकता को मैं स्वयं जान सकता हूं। ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, किंतु उस तरह चलाना एक कला है जो ऐसे ही कहीं से सीखी नहीं जा सकती। ये तो हम नापितों को जन्म से मिली एक धरोहर है, प्रतिभा है। ये नापित है या नहीं इसकी पुष्टि मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इसके नापित होने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की पहचान झूठी हो तो उसके मुख से निकली प्रत्येक बात झूठी होती है, और यदि ये नापित नहीं है तो आज यहां इसने जो कुछ भी कहा है उसे झूठा माना जाएगा। जाओ लाखा नापित, नापितों के उपकरण लेकर आओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारा उस तरह तुम्हारी जिव्या की भांति तीव्र है।
या नहीं?